अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मुशाहिद हुसैन। वी आर हियर टुडे फॉर एन अमेजिंग ब्रॉडकास्ट फॉर यू ऑल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की पहली विल्डरनेस बेस्ड कॉन्फ्रेंस मारकोट जो यूथ इंपैक्ट कराती है, उसके बारे में आप लोगों के जहन में ढेर सारे क्वेश्चन होंगे और ढेर सारे क्वेश्चन हमें रिसीव भी हुए हैं। तो उसी के बारे में अपडेट देने के लिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हम आज यहाँ मौजूद हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं हसन बशीर, COO यूथ इम्पैक्ट, और उसके साथ मौजूद है हमारे मार्फोर 2023 के प्रोजेक्ट लीड मसब जुबैरी। सो आई हाँ होप भाई, बोथ आर डूइंग गुड। हसन भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। मैन प्रोजेक्ट लीड साहब, आप कैसे हैं हमारे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। वेरी एक्साइटेड। जी, एक्साइटमेंट, वो एक्साइटमेंट, आई कैन फील दैट एक्साइटमेंट। मुझे फील और मुझे लग रहा है कि मैं बस कुछ होने वाला है। तो मार्कोर की वो एक्साइटमेंट जो है हमें अपनी कुर्सी के एजेस पे लाने में मजबूर कर देती है। सो हम बेशक लोग ऐसे ही। थोड़ी देर, एक 10-30 सेकेंड्स वेट कर लेते हैं कि हमारी ऑडियंस थोड़ी सी आ जाए। तो उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह जो क्वेश्चन हैं हमारे पास आए हैं, जो क्वेश्चन हैं जो हमारे जो फेसबुक व्यूअर्स हैं या जो अपकमिंग पार्टिसिपेंट्स उनके जहन में है मार्कोर से रिगार्डिंग, तो वो हम आपसे पूछेंगे इंशाल्लाह। देन आप लोग जो है उनका आंसर कर रहे होंगे। जी, तो सबसे अहम सवाल, सबसे पहले जब भी कोई हमारे पास आता है, यूथ इम्पैक्ट के पास आते हैं, तो वो कहते हैं कि व्हाट इज मार्कोर, मार्कोर क्या है? तो हसन भाई, हमारे CEO, मैं आपकी तरफ ये क्वेश्चन थ्रो करना चाहूंगा कि जी मार्कोर क्या है, क्या इसके पीछे मैसेज था कि आप लोगों ने ये शुरू किया, ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की? तो हसन भाई प्लीज। वैसे तो मार्कोर एक बकरी है, लेकिन बहुत शुक्रिया मुशाहिद। अस्सलाम वालेकुम। मार्कोर से पहले मैं आपको बता दूं यूथ इम्पैक्ट क्या है। एक्चुअली यूथ इम्पैक्ट हमने स्टार्ट की बैक इन 2013। कुछ विजनरी लोग हमारे साथ आए, उन्होंने प्लान किया कि इस तरह हम पाकिस्तान की यूथ को एक गाइडेड मिशन के थ्रू आगे लेके जाएं। तो उसमें जो सबसे पहला टूल हमने बनाया, जो सबसे पहला प्रोग्राम बनाया, दैट इज कॉल्ड मार्कोर। एंड मार्कोर इज पाकिस्तान फर्स्ट प्रीमियम विल्डरनेस बेस्ड यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस एंड इट इज द मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट ऑफ द यूथ इम्पैक्ट, जो कि पिछले 10 साल से हम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और मार्कोर का जो एम है टू डेवलप इंटरपर्सनल एंड सोशल लीडरशिप स्किल्स इन द यूथ, ताकि वो खुद इस काबिल हो सके, डेवलप हो जाएं एंड जाके फिर पे बैक करें अपनी सोसाइटी को। और मार्कोर जो है वो आपको अंदाजा है कि इस वक्त सैकड़ों और हजारों एप्लीकेशन प्रोसेस में आ रही होती हैं और लोग मुसलसल इवन डायरेक्टली हमें भी फ़ोन कर रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं कब इसकी ओपनिंग हो रही है और कब ये इसकी एक्चुअल हैपनिंग हो रही होगी। तो दिस इज अ लिटिल अबाउट मार्कोर। जी मुशाहिद। थैंक यू सो मच हसन भाई, मार्कोर के बारे में बताने के लिए, इसके पीछे एक सोच के, पर्पसफुल कैरेक्टर बेस्ड सोशल लीडर्स जनरेट करने के लिए जो एक मुहिम स्टार्ट की यूथ इम्पैक्ट में, उसके बारे में मैं बताने के लिए। इसी तरह सवाल आते हैं, ढेर सारे सवाल आते हैं, क्योंकि जनरली ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि यूथ इम्पैक्ट इज मार्कोर, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है जी। मार्कोर इज द इवेंट ऑफ यूथ इम्पैक्ट। तो इसी तरह हर साल जो है यूथ इम्पैक्ट का फोकस होता है, मार्को भी डिफरेंट चीज़ों पे फोकस कर रहा होता है। तो इसीलिए इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछना चाहूँगा कि इस साल जो है यूथ इम्पैक्ट किस चीज़ पे फोकस कर रही है? हसन भाई, आप अगर इसका जवाब दे दें। जी मुशाहिद, बिल्कुल ये वही सवाल है रेलिवेंट के, क्यों आए आप इस दुनिया में, वजूद यूथ इम्पैक्ट करते हैं और फोकस क्या है। और अलहमदिल्ला यूथ इम्पैक्ट हैज़ कम्प्लीटेड 10 ईयर्स, हमारे 10 साल पूरे हो चुके हैं। और ये जर्नी आप जानते हैं कि क्योंकि आप टीम का हिस्सा हैं, आसान नहीं थी, डिफिकल्ट थी, और टायरिंग एफर्ट्स, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट के साथ हम अल्लाह का शुक्र है कि आज 11वें साल में खड़े हुए हैं। और अब तक हमने तकरीबन 800 के करीब यूथ इम्पैक्ट से जो मार्कोर डेवलप हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये तो हो गया कि अब तक हमने किया क्या, 10 सालों में कोई 800 के करीब मार्कोर तैयार हुए हैं जो कि सोसाइटी में गिव बैक कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। वो काम क्या कर रहे हैं उसकी डिटेल काफ़ी सारी है, जो लोग हमें फेसबुक पे फॉलो कर रहे होते हैं वो देख रहे होते हैं कि
नौजवान सोसाइटी में जाके नंबर एक सबसे पहले वो खुद एक्सेल करते हैं, खुद एक्सेल होते हैं, उसके बाद जाके सोसाइटी में कोई किसी तालीमी इदारे को इंस्टीट्यूट को जाके एम्पावर करता है। कोई ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहा होता है कि जिनका लुक अप करने वाला कोई नहीं है। रिसेंटली फ्लड देखा आपने तो पूरी यूथ इम्पैक्ट के जो यूथ इम्पैक्टर हैं मार्कोज ने, उन्होंने पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ पर वो कुछ अपना हिस्सा डाल सकते थे उन्होंने उस ड्राइव में हिस्सा लिया, फंड रेज किए, इवन उन लोकेशन पे खड़े रहे जहाँ पे खुद लोग जो गवर्नमेंट के इदारे भी समटाइम नहीं पहुँच पा रहे थे, तो मार्कोज वहाँ पहुँच के उन्होंने ऑपरेट किया, सेंट्रल कमांड के साथ कनेक्शन में रहे और चीज़ें वहाँ प्रोवाइड की। तो ये एक उनका गिव बैक का प्रोसेस होता है। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अ वेरी वेल क्राफ्टेड जो एक प्लान है फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर का कि हमने 1.2 मिलियन यूथ को एड्रेस करना है, उनकी कुछ वैल्यूज के साथ काम करना है जैसे टॉलरेंस, पीस, टुगेदरनेस एंड एम्पथी। और उसके लिए एक पूरा मॉड्यूल बन चुका है लर्निंग के व्हील उसका नाम है, और तमाम मार्कोर होने के बाद ग्रेजुएट होने के बाद अपने इलाके में जाके अपनी सोसाइटी की कम्युनिटी के अंदर उन एरियाज के स्कूल्स को जो कि अंडर प्रिविलेज हैं वहाँ जाके ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहे होते हैं। और अल्लाह से दुआ भी है कि जो ये हमने इरादा बनाया है इस मिशन में हमें हिम्मत दे, ताकत दे और कामयाब करे। तो दिस इज अबाउट मार्कोर यूथ इम्पैक्ट एंड फोकस। थैंक यू सो मच हसन भाई इस बारे में बताने के, बट यूथ इम्पैक्ट एम्स फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर से कैसे हम लोग जो है 1.2 मिलियन का टारगेट जो यूथ इम्पैक्ट ने रखा है उसको हम लोग कैसे मीट कर रहे होंगे थ्रू LKW। हमारे मतलब यूथ इम्पैक्ट के डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज हुई, जिस तरह कैंप हिमालयस था जो पीस लीडरशिप पे फोकस कर रहा था, इसी तरह कंपस है, मेमार है, इर्तिका है, वेरियस डिफरेंट इवेंट्स है, इसी तरह हर एक इवेंट का अपना एक थीम है। तो इसी तरह मार्कोर का भी अपना एक थीम था, जैसा पिछले कुछ सालों की बात करें तो 20 में फिट फॉर फ्यूचर, 21 में जो है आपका था जी वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो इसी तरह जो मार्कोर 23 है इसका थीम हमारा क्या है, व्हाट आर वी फोकसिंग ऑन? तो ये सवाल मेरा हसन भाई से भी है, मेरा मसब से भी है, तो अगर आप लोग मुझे जवाब दे दें, बल्कि सारे ऑडियंस सब यही पूछ रहे थे हमसे कि जी क्या थीम है मार्कोर का इस साल का इंशाल्लाह। अच्छा, तो हमारा इस साल का मार्कोर का थीम इज बेसिकली हर जवान है पाकिस्तान, और द थॉट बिहाइंड इट इज के हम यूजुअली अपनी सोसाइटी में सुनते हैं कि हम एज एन इंडिविजुअल सोसाइटी में क्या कर सकते हैं, मतलब एक इंसान क्या कर सकता है जब तक कि वो किसी सिस्टम का पार्ट नहीं है, जब तक उसके पास ताकत नहीं है, जब तक उसके पास कोई इक्तदार में वो नहीं बैठा हुआ, तब तक वो अपने पास से वो क्या कर सकता है, उसके पास तो रिसोर्सेज भी नहीं है, उसके पास ताकत भी नहीं है। लेकिन ये बात सच नहीं है। अगर हम एक इंसान मतलब अपनी सिर्फ सिर्फ अपनी सोच बदल के अपने हिस्से का काम करना शुरू करे तो वो बहुत कुछ बदलाव ला सकता है, वो बहुत सारा चेंज जो है उसके साइकिल्स को स्टार्ट कर सकता है अपनी ज़िंदगी में और अपने सोशल सर्कल्स में, जहाँ जहाँ तक उसकी पहुँच है। अगर वो ये मेहनत वहाँ वहाँ करने लगे तो बहुत चीज़ों में चेंज आ सकता है। एक एग्जांपल हमारे सामने, एक क्या पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे डॉक्टर अमजद साकिब फ्रॉम अखवत। अगर वो ही भी यही सोचते कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ तो आज अखवत फाउंडेशन जैसा इदारा पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह डॉक्टर बारी, जिन्होंने ये सोचा कि इंडस हॉस्पिटल जैसा एक इदारा होना चाहिए, अगर वो भी यही सोच लेते कि मैं जब तक कोई मिनिस्टर ना बन जाऊँ, जब तक कि मैं किसी इकतदार में ना हो जाऊँ, मेरे पास इतना पैसा ना हो कि मैं कुछ कर लूँ, तो इस किस्म के इदारे पाकिस्तान में कभी भी ना खड़े होते। तो ये वो हमारे सामने एग्जांपल्स हैं जो जिन्होंने अपनी सबसे पहले अपनी सोच बदली और उन्होंने सोचा, ये नियत की सबसे पहले कि मुझे जो है वो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो वो जो एक सोच थी, वन थॉट फ्रॉम वन पर्सन, इट चेंज इनटू अ होल सिस्टम विच इज नाउ हेल्पिंग पीपल अराउंड पाकिस्तान। सो दैट्स वेयर द थॉट ऑफ हर जवान है पाकिस्तान कम्स इन, कि हम हर बच्चे को ये बात समझाएं, हर जो भी हमारे पास आ रहे हैं, कि आप अगर चाहें, आप अगर ये नियत करें कि अगर हम आप जो है वो कोई चेंज ला सकते हैं तो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। वी इनेबल पीपल टू ब्रिंग चेंज इन देयर सोसाइटीज एंड आर सोसाइटी एज अ होल। तो ये कॉन्सेप्ट है हर जवान पाकिस्तान, जो इस दफा मार्कोर की थीम है। वेरी बिल्कुल मुशाहिद, मुझे इसमें एक चीज ऐड करता हूं मैं मतलब की बात को, जो कि ऑलरेडी बड़ी डिटेल बात है कि खासकर इस टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं तो मायूसी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है,
और पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तानियत का वर्ड काफ़ी कम होता जा रहा है, और उसका सोल्यूशन ये नहीं कि लोग अब्रॉड चले जाएँ, कितने लोग चले जाएंगे, और यही रहना है आपने, यही हालात में रहना है। और जिस तरह मिसालें दी हमने दो लोगों की, ऐसे 20 के लोग हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, खड़े हुए हैं और सर्व कर रहे हैं एक खास स्टैंडर्ड के साथ। हर जमाने पाकिस्तान का मतलब यही है कि यूथ इम्पैक्ट इस साल जितने मार्कोर आएंगे वो अपनी ज़ात में फिर अगेन सोसाइटी में जाके हर जवान ने 30 से 35 से 50 खानदान के उन नौजवानों को एड्रेस करना है जो डेफिनेटली हम मार्कोर पर तो नहीं ला सकते इतनी बड़ी तादाद में, और इतनी बड़ी एक ज़रा उसकी एक लॉजिस्टिकल आपको पता है एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन यही नौजवान उस गली में जाके, उस मोहल्ले में जाके हर जवान को पाकिस्तान के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव कर रहे होंगे। तो वेरी क्रिटिकल के हमें जैसे हर बंदे को पता होना चाहिए, हम हर बंदा अपनी जिम्मेदारी ले, जब अपनी जिम्मेदारी लेता है तो वो खुद पहले अपलिफ्ट होता है, फिर साथ वालों को लेके निकलता है। जी मुशाहिद, थैंक यू सो मच मसब एंड हसन भाई एक होलिस्टिक व्यू देने के लिए थीम के बारे में, कि व्हाट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड हर जवां है पाकिस्तान, कि क्यों ये थीम रखा गया है, ये मकसद क्या है, कि कैसे हम हर एक नौजवान तक पहुंच सकते हैं। अब इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल, एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जो हर एक जिस जिसने अप्लाई किया है उसके जहन में होगा, जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि कब मार्कोर शुरू होगा। तो सवाल प्रोजेक्ट लीड के लिए है जी, आपका जो हमारा जो मार्कोर 2023 है ये कब होगा? अच्छा, मार्कोर 2023 की इस दफ़ा जुलाई के एंड से अगस्त के एंड तक हमारा जो ऑनलाइन फेज है वो होगा इंशाल्लाह, और सितंबर के एंड में हमारा जो सेकंड फेज है जो बेसिकली कैंपिंग वाला पार्ट है वो हो रहा होगा। अच्छा, थोड़ा सा तो आपने हिंट दे दी है, क्योंकि मतलब आपको अंदाजा है जो मार्कोर 20 के बाद यूथ इंपैक्ट के साथ रहे हैं, जो 21-22 के पार्ट्स में रहे हैं उनको अंदाजा होगा कि मार्कोर का डिजाइन पहले ही होता था, उसमें सिर्फ विल्डनेस बेस होता था, सिर्फ लोग पहाड़ों में जाते थे, वहां जाकर ट्रेनिंग होती थी, उस पर साथ खत्म। लेकिन पिछले कुछ सालों से मार्कोर का डिजाइन जो है वो चेंज हुआ है। सो आई लाइक टू हेयर मतलब फ्रॉम यू के ये नया डिजाइन है इसमें क्या है, क्या है इसमें, मतलब कितने फेजेस हैं, किस तरह से हो रहा होगा, किस चीज में हम लोग फोकस कर रहे होंगे इन फेजेस में, तो अगर हमें थोड़ा सा आप अगर डिजाइन के हवाले से बता दें ताकि जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे इंशाल्लाह जो मार्कोर में पार्टिसिपेंट आएंगे उनको भी अंदाजा हो जाएगा कि मार्कोर का डिजाइन क्या है। सो मार्कोर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, एक आपका ऑनलाइन फेज है और एक ऑन ग्राउंड फेज है। ऑनलाइन फेज एक 3 हफ्ते का फेज है जिसके अंदर आपको मल्टीपल चीज़ों के बारे में ब्रीफिंग दी जा रही होगी, हमारे पास इंटरनेशनल और लोकल कॉर्पोरेट लीडर्स आ रहे होते हैं जो डिफरेंट हार्ड स्किल्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं, जो जिस जिस डोमेन में जो जहाँ जहाँ एक्सेल कर रहा है उस डोमेन का स्पेशलिस्ट आपको उन हार्ड स्किल्स के बारे में आके बता रहा होता है जो आपको आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो जैसे लास्ट ईयर हमारे पास अदील अज़हर आए थे, उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग का, और हमारे पास एक सेशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हुआ था। इसी तरह हमारे पास कुछ डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हमारा फोकस होता है, जैसे टीम वर्क हो गया, फंड रेजिंग, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, इस किस्म के जो टॉपिक्स हैं जो बेसिकली एक मेरी एज का जो एक लड़का जो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल रहा है उसे ये सारी स्किल्स अपने करियर के अंदर और अपनी लाइफ के अंदर इन सब की ज़रूरत है एक्सेल करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो ऑलरेडी उस स्टेज पे जो पहुंच चुका है वो आके इन लोगों को बताता है कि किस तरह वो अपनी इन सब चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, इनके ऊपर फोकस, उनके लिए कुछ रिसोर्सेज कि अच्छा अगर आपने इस चीज़ में आगे बढ़ना है तो ये बुक्स हो गई, ये डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, या फिर कोई मॉडल्स हो गए जिनको आप फॉलो करें तो आप इन चीज़ों को मतलब आप इन चीज़ों में एक्सेल कर सकते हैं। ये है जो पहला ऑनलाइन फेज होता है। फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंड आता है जो मोस्ट एंटिसिपेटेड चीज़ है, विच इज़ द 5 डेज कैंपिंग। तो इसमें क्या होता है कि पीपल ट्रैवल फ्रॉम ऑल अराउंड पाकिस्तान, जो भी हमारे 80-85 सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो आके और एक रात इस्लामाबाद में ठहरते हैं, फिर दे ट्रैवल टू द लोकेशन जहाँ भी मार्कोर हो रहा हो,
और फिर 4 दिन 4 रातें वो वहाँ कैंप करते हैं। और उसके अंदर यहाँ पे हमारे पास टोटल 6-8 सिर्फ स्पीकर सेशन हो रहे होते हैं, जिसके अंदर लोग आके आपको ये बता रहे हैं। तो इट्स डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर कॉन्फ्रेंसेज जहाँ पे आपको लोग आके सिर्फ चीज़ें बता रहे हो। इसका मॉडल जो है इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो आपको ट्राइब्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है और यू आर गिवन एक्टिविटीज एंड टास्क टू अकम्पलिश इन योर ग्रुप, और यू आर सपोज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, यू आर सपोज टू हैव कॉन्वर्जेशन, डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन विद ईच अदर, जहाँ पे आप किसी ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं जहाँ पे आपकी टीम आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो इस तरह का एक डिज़ाइन है जिसके थ्रू आप इन 4 दिनों में जाते हैं और आप डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। आप अपनी डिफरेंट वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स को देख रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको मिल रहा होता है। तो जब आप खुद वो एक्सपीरियंस करते हैं तो आपका सबसे ज्यादा लर्निंग का पार्ट वो होता है। और फिर आखिरी दिन जो है वो बेसिकली एक रिफ्लेक्शन टाइप चीज है कि जहाँ आप इस सब से गुजरे तो आप पलट के अपने अंदर आप क्या महसूस करते हैं, क्या तब्दीली आप समझते हैं कि लाई जा सकती है। ये 5 दिन का कैंपिंग का वो होता है। और इसके बाद ये जो 2 फेजेज हैं ये बेसिकली जो मार्क फोर है ये उसके अपने लिए होते हैं। लेकिन जब वो इस सब के थ्रू गुजरता है तो वो बहुत कुछ सीखता है। तो जब वो बाहर आता है तो हमने अभी जैसे हसन भाई ने बात की, वी वॉन्ट यू पीपल टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो वो वापस आके अपने जितने सोशल सर्कल्स हो गए, उनकी जो फिजिकल विसिनिटी जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे वो पढ़ते हैं, वहाँ पे जो ऐसे लोग हैं जो ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके लिए ये बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट हैं, जो ये समझता भी नहीं है कि रेजिलियंस क्या होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होती है, वो ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल उनको ब्रेक डाउन करके उन बच्चों तक पहुंचाते हैं जो कि अपनी जिंदगियों को, जिनको बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया नहीं है, और वो ये सब सीख के अपनी जिंदगियों को बेहतर कर सकते हैं। दिस इज नोन एज द लर्निंग का व्हील पार्ट, जिसके अंदर आप बेसिकली यू आर द व्हील और यू हैव टू मेक इट स्पिन फ्रॉम व्हाट यू लर्न। तो ये है मार्कोर का स्ट्रक्चर। थैंक यू सो मच। मतलब डिज़ाइन पे थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए, मैं बताने के लिए डिज़ाइन में क्या क्या होगा। इसी से मतलब इसी जब आप डिज़ाइन की बात, तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये डिज़ाइन जो है जो भी अटेंड कर रहा होगा उनकी ज़िंदगी में वैल्यू कैसे ऐड कर रहा है, और जो कोई भी अप्लाई कर रहा है उसको ये अपॉर्चुनिटी क्यों अवेल करनी चाहिए। हसन में अगर आप इस बारे में बताएंगे कि वैल्यू कैसे ऐड कर रहा है, और अगर कोई ज्वाइन कर रहा है इंशाल्लाह मार्कपुर में आ रहा है तो उसको ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिस करनी चाहिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें इसको ना, जिस तरह अभी मसब ने भी हाईलाइट किया कि जो फेज़ 1 होता है उसमें हम पाकिस्तान के नेशनल और इंटरनेशनल कॉर्पोरेट लीडर्स भी आके आपको एड्रेस कर रहे हो, वो टूल्स सिखा रहे होते हैं जो कि बहुत असेंशियल है उस दौर के। मे बी इस साल का टूल में कुछ नई ऑडिशन हो जो कि लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट नहीं थी या नहीं आया था, तो अब तक तो ये को मौका मिलता है कि उन प्रैक्टिस लीडर से आप बात करते हैं जो अभी आप अकेडमी के अंदर रहते हुए सिर्फ पढ़ रहे होते हैं और यहाँ आपको आपको वो एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। नंबर 2, जब आप विल्डरनेस में आते हैं तो विल्डरनेस सेटिंग के अंदर आपके सारे शेल्स कॉल निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिसीजन मेकिंग से लेके कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तक आपने एट हैंड करना होता है, खुद करना होता है, और उसके अंदर सारी कॉस्मेटिक्स खत्म हो जाती हैं। इवन आपको अंदाज़ा है और मुसद को भी कि जब हम जाते हैं हम देखते हैं कि लोग शुरू में खास अंदाज से कॉन्फ्रेंस के स्टेज पर मेंटर होते हैं, और बाय द टाइम इवनिंग इन द इवनिंग वो सारी जो उनकी आर्टिफिशियलनेस होती है वो खत्म हो चुकी होती है और वो अपने असल रूप में होते हैं, और असल रूप इतना ही अच्छा होता है, नेचुरल होता है ना, एक्चुअल होता है, कुछ आर्टिफिशियल नहीं होता। और फिर इंसान सीखता है जब वो अपनी सारी चीज़ों को, सारे गैजेट से दूर होता है, सारी फिक्रों से दूर होता है और उस सारी आर्टिफिशियल सेटिंग से दूर होता है जिसके अंदर वो एक्सपोज नहीं होना चाहता, अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहता दूसरों के सामने। तो विल्डरनेस जंगल जो है ना वो आपका बेहतरीन टीचर होता है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास कोई शेडो नहीं है, कुछ शेल्टर नहीं है छुपाने के लिए खुद को, आप गलती करेंगे तो फौरन आपको उसका रिस्पॉन्स मिल रहा होगा और आपके साथी टीममेट बीइंग ए टीम मेंबर वो आपको एड्रेस कर रहे होते हैं यार ये गलत हो गया। तो मतलब इट्स अ वेरी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान, जो कि मेरे नहीं ख्याल यूसुफ बेट के अलावा कि और इतना डीप इंपैक्टेड काम कर रहा हो कि जो आपको विल्डरनेस में प्योर सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 11वां साल है, और मार्कपुर के अलावा भी हमारे 20वां प्रोजेक्ट जितने जंगल हम कर रहे होते हैं तो कुछ इशू बना हुआ, हमारी पूरी मेडिकल टीम, होम डिपार्टमेंट सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ हम मूव कर रहे होते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी जाहिर है आप खुद क्रिएट करना चाहेंगे तो
बहुत एक्सपेंसिव हो गई, और फिर आप इतने सारे कॉर्पोरेट लीडर को कैसे लेके आएंगे जो हम थ्रू आउट द पाकिस्तान ट्रेवल कराते हैं, उनको वहाँ लेके आते हैं, वो अपना वक्त निकालते हैं, अपना सरमाया निकाल के वहाँ पे पहुँचते हैं आपके साथ, 2 दिन 3 दिन जंगल पर रहते हैं, और आप अपने साथी की ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहे होते हैं, सेम टाइम आपका साथी आपका टीममेट आपकी ट्रांसफॉर्मेशन फील कर रहा होता है। तो ये तो होगा आपका अपना पार्ट, आप किस तरह डेवलप हो रहे हैं। नंबर टू, जब आप वापस आते हैं तो अब आपके अंदर इतना स्पार्क हो चुका होता है कि आपने गिव बैक करने वाला काम जो है वो आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा होता है, यार मैं अब एक कारामद एक पॉजिटिव शहरी हूँ, डेफिनेटली पहले भी मैं बुरा नहीं था, लेकिन अब मुझे विजन या वे ऑफ लाइफ का अंदाजा हो गया कि मैंने कैसे रहते हुए लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर ही, अगर मैं आज 20 साल का हूँ, 21 साल का हूँ, 19 साल का हूँ, तो मुझे इंतजार नहीं करना है 30 होने का, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मालूम है और मैं क्या कर सकता हूँ मुझे ये भी पता लग गया है। तो दैट इज़ अ पॉइंट के जहाँ पर आप दूसरे से किसी भी ऐसे नौजवान से जो भी सिर्फ अकेडमिया के अंदर है आप एक्सेल करके ऊपर जा चुके हो। जी मैं सब कुछ ऐड करना चाहता हूँ इसमें, जिस तरह एलुमनाई जी एज एन एलुमनाई, एक फैक्टर जो मुझे बड़ा वो लगता है डाइवर्सिटी वाला फैक्टर, कि अगर आप जो है वो किसी ऐसी क्लास से बिलोंग करते हैं, किसी ऐसी फाइनेंशियल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो आपका बिल्कुल ऑपोजिट जो है ना वो आपके ट्राइब में, क्या पता आपके कैप में आपके साथ वाले स्लीपिंग बैग के अंदर सो रहा हो, उसने जो ज़िंदगी देखी है वो बहुत मुख्तलिफ है उस ज़िंदगी से जो आप जीते हैं, तो उससे वो चीज़ें सुन के और अपना देख के इंसान को एहसास होता है कि हम कितने प्रिविलेज्ड हैं। तो अदील भाई की बात में फिर से वो करता हूँ कि उनका सेशन जब हुआ तो उनसे पूछा कि आपने क्या सीखा, तो उन्होंने कहा कि ये जो बच्चे बैठे हैं इन, मैं इनको देख के इनकी स्टोरी सुन के मैं जो इनको सिखाने आया था उनसे ज़्यादा इनसे मैंने सीख लिया। तो इस किस्म का वो एक्सपीरियंस इट्स सो प्रोफाउंड कि वो आपके साथ फिर ज़िंदगी भर रहता है। हसन भाई ये मसब ने जैसे अपने एक्सपीरियंस की बात की, सर आप विल्डरनेस की बात कर रहे थे, जिस तरह मसब जब डिज़ाइन की बात कर रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया LKW का, सो वो क्या सोच है कि जो LKW जब आप डिज़ाइन कर रहे थे, जब उन्होंने डिसाइड किया कि दिस शुड बी अवर सोशल एक्शन प्रोजेक्ट, तो वो LKW के पीछे क्या सोच है और इसको हम लोग जो है मतलब एज अ सैप क्यों रख रहे हैं, आपको बताया कि यूथ इम्पैक्ट सिर्फ मार्कोर नहीं कर रहा होता, हमारे बीच में और प्रोजेक्ट भी हैं। तो एक्सपीरियंस हम जेल में काम करने गए जुवेनाइल में, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं अंदाजा हुआ कि ये जो बच्चे जेलों में आ रहे हैं ये सारे वो रीजंस हैं जो किसी भी अंडर प्रिविलेज एरिया के स्कूल्स के अंदर मौजूद हैं, कि अगर हमने उनको एड्रेस नहीं किया जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं तो वो विक्टिम हैं, वो नेक्स्ट टू उनका अगला घर वही है, जेल गया है, और ये इतना बड़ा एक प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्रिएट हो सकता है कि जो कि फिर एड्रेस नहीं हो सकता। क्यों, वहाँ जो बच्चे आते हैं हमने देखा कि उनकी ब्रोकन फैमिलीज हैं नंबर एक, या उनकी फाइनेंशियल क्रंच है, बहुत बुरे हालात हैं, या उनकी हेल्थ इश्यूज हैं, तो वो सारे हमें लगा कि यही वो टाइम है कि हम अपना यूथ बैठ क्या वो पार्ट प्ले कर सकता है। तो 1.2 मिलियन जो क्रिटिकल मास है 12 करोड़ लोगों का, तो हमने उसको प्लान इसी किया कि हम 12 लाख ऐसे नौजवान तैयार करेंगे जो कि मार्कफोर एक्चुअली उनको तैयार कर रहे होंगे, ये मार्कफोर जो डेवलप होके आ रहे हैं, ट्रेंड होके आ रहे हैं, इनके सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स में ये 12 लाख बच्चे तैयार होंगे जो कि फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो जाएंगे अपनी एजुकेशन के लिए और अपने हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे, ये ड्रॉप आउट होके जेलों में नहीं जा रहे होंगे, ये ड्रॉप आउट होके बैगर या स्ट्रीट क्रिमिनल नहीं बन रहे होंगे, और हमने इसके कुछ एक्सपेरिमेंट कर भी लिए, अल्लाह का शुक्र है कुछ बच्चों को वहाँ से करके, और आज वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर में ऑलरेडी हुनर भी सीख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बच्चों ने अर्न करना भी शुरू कर दिया, इनकम भी वो कर रहे हैं, और आफ्टर अ मंथ और टू वो पूरा बैच जो है वो पास आउट होने के बाद सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव वाली वो अपने इनटेक कर रहा होगा, हलाल रोजी कमा रहा होगा। तो आप कम से कम ऐसे अफराद तैयार कर रहे हैं कि जो और लोगों को बुराई से बचाने में और पॉजिटिव लाने में अपना काम अदा करेंगे। तो बेसिकली ये इसकी थैंक यू सो मच हसन भाई इस बारे में बताने के लिए। जिस तरह आपने बताया कि
बाकायदा इसके मतलब ने भी जिक्र किया डिज़ाइन के हवाले से कि इसमें नेशनल इंटरनेशनल आपके स्पीकर्स होते हैं, आपके ट्रेनर्स होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, इस तरह सब कुछ होता है। तो एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि मार्कोर की फीस क्या है, तो काफ़ी मतलब बेसिक से सवाल है आई गेस कि ये एप्लीकेशन में मैंशन हुआ, लेकिन स्टिल बाज़ औक़ात लोगों के सवाल होते हैं, ये हमारे पास सोशल मीडिया पर भी आ रहा होता है कि वट इज़ द फीस ऑफ मार्कोर 2023। इस दफा जो कॉस्ट पर पार्टिसिपेंट फॉर यूथ इम्पैक्ट इज 120,000 फॉर ईच पार्टिसिपेंट, और ये जिस तरह की नेचर है, जो इस कॉन्फ्रेंस की नेचर है, उसमें आप ये देख सकते हैं कि आप 5 दिन ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास स्पीकर्स आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग जमा हो रहे हैं, तो ड्यू टू द नेचर ऑफ द कॉन्फ्रेंस ये इतनी एक्सपेंसिव होती है। तो जो भी पार्टिसिपेंट हमारे पास तकरीबन 2 से 2,500 एप्लीकेशन आ रही होती हैं हर साल, तो उसमें से जो भी पार्टिसिपेंट सिलेक्ट हो रहा है, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है पूरा, जो भी पार्टिसिपेंट सिलेक्ट हो रहा है उसके पास सिलेक्शन मेल आ रही है, उसको जो है वो 45,000 रुपीज़ जो है वो यूथ इम्पैक्ट स्कॉलरशिप देता है। तो द पार्टिसिपेंट हैज़ टू पे 75,000 आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट। तो ये है इस दफ़ा 75,000 रुपये फी है इस दफ़ा मार्कोर की। जंगल में आप इवन आउटिंग करने भी जाते हैं तो वो किसी भी नॉर्मल सेटिंग से बहुत उसकी प्राइस होती है। एक्चुअली प्राइस हमारी लास्ट ईयर वाली है, लेकिन इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं कितनी चली गई कि हमें उसको मीट करने के लिए प्राइस को हाई करना पड़ रहा है। अदरवाइज हमने अभी लास्ट वीक ट्रैकिंग करने गए थे, ट्रैकिंग आप जानते हैं कि हम उस लोकेशन को मार्क करते हैं ताकि दोबारा और तमाम सेटिंग बना के आते हैं गवर्नमेंट ऑफिशल के साथ और लोकल्स के साथ सारा। तो वहाँ से हम देखते हैं कि यार ये चीज़ें हमने लास्ट टाइम यहाँ आए थे तो क्या प्राइस थी, अब जा रहे हैं तो हमें क्या उसकी कॉस्ट पड़ रही है। तो ये एक मेजर रीज़न है कि लॉजिस्टिकली वेरी ह्यूज कॉन्फ्रेंस की और डायमेंशन होती हैं। डेफिनेटली जो लोग आ चुके हैं, खासकर आप दोनों तो गवाह हैं कि आपको आप घर में नहीं होते, आप जंगल में होते हैं, लेकिन आपको सारी फैसिलिटीज़ उस तरह की मिल रही होती हैं, उसको मेंटेन करने के लिए ज़रा एक और कर रही होती है। उसमें भी हम जो पहले फेज में हैं, मतलब ने बताया होगा कि उसमें हम ये स्किल सिखाते हैं कि हाउ टू अर्न, जो है ना आप स्पॉन्सरशिप कैसे गेट कर सकते हैं, आप किस तरह आपको टाइम मिलता है अर्न करने का भी अगर आपके पास कुछ इश्यूज़ हैं तो, और वो स्किल्स आपको वहाँ भी सिखाई जा रही होती है। जी मुशारिफ, थैंक यू हसन भाई। मतलब मैं प्रोजेक्ट पीएल में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फीस इज 75,000, तो उसमें फिर एक सवाल आता है कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाए तो वो पैसे हम लोग आप कैसे पे कर रहे होंगे, कि सारे 75,000 एक ही टाइम पे पे करने हैं या उसके मतलब या कोई ब्रेकअप हुआ हुआ है इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, तो उस बारे में अगर आप थोड़ा सा ऐड कर दें। सही, तो हमारे पास जो है वो 75,000 इज ब्रोकन डाउन टू 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, और उसके अंदर रुपीज़ 25,000 इज योर रिजर्वेशन फी कि अगर आपकी सिलेक्शन हो गई है तो आप वो इमीडिएटली विद इन अ वीक पे कर दें ताकि आपकी सीट बुक हो जाए। एक दफ़ा आपकी सीट बुक हो गई फिर हम आपको ये कन्फर्म कर देंगे यू विल बी अ पार्टिसिपेंट फॉर मार्कोर 2023। लेकिन हमारे पास क्योंकि इतना इनफ्लो होता है एप्लीकेशन का, तो कि जो नहीं पे कर रहा हम उसको ये गारंटी नहीं कर रहे कि आपकी सीट रिजर्व्ड है, क्योंकि फिर अगला जिसने बाद में अप्लाई किया है फिर उसका ये वो है राइट कि हम उसको ये ऑफर करेंगे, अच्छा आप ये पे करें और आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। तो ये रिजर्वेशन फी है, और उसके बाद इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के अंदर आप जून और जुलाई के अंदर बाकी 25-25 पे कर रहे होंगे। पीछे वाकया इतने सारे स्टोरीज मौजूद है ना, दिल करता है वो शेयर कर दी जाए। तो इसी तरह एक दफ़ा हमारी फीस काफ़ी कम थी, आई थिंक अंडर 30 थी, तो अब ज़ाहिर हमें पूरा पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान वहाँ क्रिएट करना होता है, तो जियोग्राफिकल स्प्रेड पूरी होती है उसकी, मकरान टू गिलगित के अंदर लोग होते हैं, उसके तमाम मुसलमान भी है, माइनॉरिटी का भी 2% है वो भी मेनटेन होता है, फिर शिया सुन्नी वो सारी थी, सोशो इकोनॉमिक टॉप थी और बिल्कुल बॉटम लाइन वाले भी जो है, इवन जिनको कभी कभी हम ट्रैवल मौसम भी देते हैं वो मेरिट पे पूरा होता है। तो एक नौजवान इसी तरह
फ्रॉम रोचिस्तान के, ही वाज वेरी एक्साइटेड और उसने प्रूव किया कि उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, डेवलपमेंट का वो काम ऑलरेडी अपने गली मोहल्ले में कर रहा है. सो ही वाज वेरी ईगर टू अटेंड दिस मार्को बट अनेबल टू पे द फी. तो देखिए आपने मार्को आना है ना, कॉन्फ्रेंस में आना है, तो आप पहले से फॉलो कर रहे होते हैं. जिस तरह हम देखते हैं कि हमारे पास जो लोग लास्ट ईयर डिक्लाइन कर सके नहीं आ सके, वो इस साल टॉप प्रायोरिटी बोलते हैं, सर हमारे लास्ट एज का भी रह गया, प्लीज हमें लें. तो ये वो स्पिरिट होती है जहां आपको टेस्ट करते हैं खुद को, इन्वेस्ट करते हैं खुद से. उस नौजवान ने उस वक्त अपना मोबाइल सेल किया और उसने रसीद उसकी मुझे सेंड की, सर मैंने ये मोबाइल था मेरे पास अपना, मैंने उसको सेल कर दिया है, तो मैं अब माफ में आना चाहता हूँ, मेरे पास फी के पैसे होंगे सर, ट्रैवल के पैसे कमाएंगे, इस तरह मुझे कुछ टाइम दे दें. और मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं. और वो नौजवान आया, उसने मार्को अटेंड किया, जाके अपने एरिया में हिंदुस्तान में काम किया और आज अंदर वो साउथ कोरिया के अंदर इंजीनियरिंग में हायर स्टडीज कर रहा है. तो ये एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है मैं समझता हूँ. अगर आप अपने शूज पे, अपनी डाइट पे, अपनी उस पर आउटफिट पे एक्सपेंस कर रहे होते हैं, तो पर्सनल डेवलपमेंट पे आपको ज़रूर करना चाहिए और आपको एक टाइम मिल जाता है. ऐसा नहीं है जैसे मैं सर ने बता दिया आपको कि हम इंस्टॉलमेंट भी कर रहे होते हैं. और यही वो चार्ज है, यही वो स्पिरिट हमें भी नज़र आती है. अगर आपके अंदर है तो बिल्कुल हम वेलकम करते हैं कि ठीक है थोड़ा सा पार्शल टाइम भी दे दें. और नहीं है तो फिर जाहिर है कि हर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अल्लाह करे हमारे पास कुछ आधे फंड आ जाएँ तो बाकी मसले बताएंगे कि अगर कुछ फंड आते हैं तो क्या करते हैं, कुछ रिलीज का प्रोग्राम है कि नहीं है. ठीक है, शुक्रिया सुन भाई के मार्कोर से पहले मार्कोर स्पिरिट चेक की जा रही होती है पार्टिसिपेंट की फीस के लिए. मतलब जी सर आपने बताया अभी के 120s फीस 45,000 जो है यूथ इंपैक्ट खुद जो है मतलब उनको स्कॉलरशिप दे रहा है जो भी सेलेक्ट होगा इंशाल्लाह, तो 75,000 जो है वो पे करेंगे. सो क्या पॉसिबल है कि और भी स्पॉन्सरशिप दे दे यूथ इंपैक्ट? क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि जो है हम लोग थोड़े वक्त बाद यूथ इंपैक्ट जो है कह दे कि जी स्पॉन्सरशिप हमारे पास आ गई है, हम आपको दे रहे हैं, तो अवेलेबल हैं या नहीं हमारे पास? अच्छा, इसके अंदर ऑलरेडी आप अगर ये देख रहे हैं कि हमारे पास जितने भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, हम उनको एक मेजर चंक जो है यूथ इंपैक्ट ऑलरेडी स्पॉन्सर कर रहा है. तो ये यूथ इंपैक्ट का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एवरी पार्टिसिपेंट हू इज पार्टिसिपेटिंग इन मार्को. ठीक है, इसके बाद हमारे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स वो भी आते हैं जो कहते हैं जाहिर है 75,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट है कि वो पे नहीं कर पा रहे होते. तो हमारे लिए हमारे पास उनके लिए भी जो है ना एक पूरा स्ट्रक्चर है. हम उनको एक फंड रेजिंग गाइड देते हैं, हम उनको उनकी कस्टमाइज्ड स्पॉन्सरशिप प्रपोजल देते हैं जो उनके अपने एज एन इंडिविजुअल वो उसके लिए बना हुआ होता है. मतलब उसके अंदर आप अपनी डिटेल्स ऐड करें, फंड रेजिंग गाइड को आप यूज़ करें और आप निकलें बाहर मार्केट में, यू लुक फॉर स्कॉलरशिप योरसेल्फ. बहुत सारी कंपनीज स्कॉलरशिप देती हैं, बहुत सारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो आपको स्पॉन्सर करना चाहेंगी, दे वुड लाइक टू सी यू एज देयर ब्रांड एम्बेसडर. तो ये भी पार्ट आपकी लर्निंग का है, क्योंकि फॉर समवन हु कैन नॉट अफोर्ड दिस अमाउंट, वो जो है वो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन ले, हम उसको सिखाते हैं, हम उसके साथ क्लोजली कम्युनिकेशन में होते हैं और जिस जिस डॉक्यूमेंटेशन की उसको ज़रूरत होती है हम उसको डॉक्यूमेंटेशन देते हैं और वो उसको यूज़ करके डिफरेंट जगहों पे अप्लाई करता है. वो ये उसको खुद ये बात प्रूव करनी है कि कोई कंपनी या कोई इदारा उसको जो है इतने पैसे दे तो ही इज़ वर्दी ऑफ दैट अमाउंट बीइंग स्पेंट ऑन हिम और हर व्होएवर इट इज़. तो जैसे हमारे पास अभी भी 5 से 6 लोग हैं जिन्होंने जिनके पास वो नहीं था, हमने उनको फंड रेजिंग गाइड दी, हमने उनको स्कॉलरशिप गाइड दिया, हमें कंफर्मेशन लेटर जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, दे अप्रोच डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. उनसे 5 लोगों की कोई ऑर्गेनाइजेशन उनको सपोर्ट कर रही है, स्पॉन्सर कर रही है और इन रिटर्न वो उनके ब्रांड एम्बेसडर्स होंगे हमारे इवेंट पे. सो दिस इज़ हाउ यू शुड बी लुकिंग फॉर स्पॉन्सर्स. अगर आपको लगता है कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते, और हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट होती है इसमें जो भी हमारी तरफ से वो हो सके, लेकिन हम ये कहीं भी कमिट नहीं कर रहे कि 75,000 के बाद और एडिशनल अमाउंट यूथ इंपैक्ट विल बी पेइंग आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट. थैंक यू सो मच मसब इसमें ऐड करने के लिए कि जी
आपको स्पॉन्सरशिप गाइड, स्पॉन्सरशिप प्रपोजल दिया जाएगा जो भी सिलेक्ट होगा, और फिर आपको टीम गाइड भी करेगी कैसे आप फिल आउट करके डिफरेंट कंपनीज को अप्रोच कर सकेंगे। सो इस बारे में बताने के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मेरे पास भी सवाल आते हैं, मेरे पास इनबॉक्स लोग मुझे करते हैं, इसी तरह फेसबुक पे भी करते हैं, इसी तरह यूथ इंपैक्ट के पेज पे भी जो है ये सवाल बार बार आ रहा होता है। एक सवाल कहते हैं कि जी मैं ऐसा क्या करूं कि मैं मार्कफोर के लिए सिलेक्ट हो जाऊं, मार्कफोर का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। हर कोई मुझसे भी पूछ रहे थे, आई नो के आई एम प्रीटी श्योर के आप लोगों से भी ये सवाल आए होंगे, और जितने इंपैक्टर्स हैं जो मार्कफोर के हैं मैं रह चुके हैं उनको भी अंदाजा होगा, उनके पास ये सवाल आया होगा कि जी मैं क्या करूं कि मेरी मार्कफोर में सिलेक्शन हो जाए। तो मैं सब प्रोजेक्ट भी साहब मुझे हमें जो भी हमारे व्यूअर्स हैं सबको बताएं कि जो मार्कफोर का वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या है जिसके बेस पे जो है आप सिलेक्ट करते हैं सबको। वो सीक्रेट फॉर्मूला जो है ना वो आपकी विल है, सबसे पहले आपकी नियत होनी चाहिए कि आप मार्कफोर अटेंड करें और फिर अल्लाह ताला रास्ते बना देता है। अच्छा, तो हमारा जो फॉर्म है इट्स अ वेरी एक्सटेंसिव फॉर्म, जिन लोगों ने भरा हुआ है उनको पता है, और जो लोग भरना चाहें तो उसके अंदर काफ़ी सारे सवाल आते होते हैं आपके गोल्स के बारे में और आप जो करंटली अभी कर रहे हैं उस सब के बारे में। तो जो भी बच्चा या बच्ची मार्कफोर अटेंड करना चाह रहा है वो जब ये फॉर्म भर रहा होगा तो वो ये सारी चीज़ें बताएगा कि वो ऑलरेडी इफ ही इज़ कमिटेड टू और विलिंग टू कमिट टू सर्व द सोसाइटी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि अगर आप अपनी जेब से भी अगर कोई पैसे लगा रहे हैं तो वो भी दैट इज़ हार्ड अर्न मनी, राइट। तो एक तो ये कि आपने खुद सीखा और एक ये कि वो सीख के आपने और लोगों तक वो बात पहुंचाई, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इफ़ यू आर कमिटेड टू सर्व द सोसाइटी। फिर उसके बाद ये कि आपकी एक पर्सनल आपका कोई गोल होना चाहिए कि हम मेरा ये गोल है कि मैं मार्कफोर से, वाई वुड यू वॉन्ट टू कम टू मार्कफोर, कि मार्कफोर से आप क्या सीख के निकलेंगे। आप सोचते हैं कि अच्छा ये इतने पैसे मैं खर्च कर रहा हूँ, ये इतने पैसे मुझे कोई दे रहा है इसमें ये अटेंड करने के लिए, तो मेरा कोई गोल होना चाहिए कि मैं जब मार्कफोर से निकलूंगा तो मैं ये सब कुछ सीख चुका हूँ, या फिर मैं ये देखता हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे अंदर इम्प्रूव होनी चाहिए, या मैं सोचता हूँ कि इन सब चीज़ों के ऊपर जिन पर मैंने सोचा हुआ है कि काम करना है, आई गेट दी अपॉर्चुनिटी टू वर्क अपॉन दोज थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें वो फॉर्म के अंदर हमारे क्वेश्चन हैं जो असेस होते हैं, और इवेल्यूएशन टीम ये इवेल्यूएट करती है कि कौन कितना कमिटेड है, कितना विलिंग है आने के लिए। थैंक यू मिस्टर, इस बारे में हमें सीक्रेट फार्मूला बताने के लिए कि मार्कफोर में लोग कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। सो आई होप के जो भी जिनके जहन में भी सवाल होगा या जो हमसे पूछते हैं तो उनको आंसर मिल गया होगा। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं इनको बताने का, सीक्रेट फार्मूला सेलेक्ट करने का। हसन भाई आपकी तरफ ही मैं इसके बाद में आपकी तरफ आना चाहता हूँ कि एक जिस तरह मसल ने भी फीस के बारे में बताया तो बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, कि 75,000 बहुत ज़्यादा है, 75,000 में तो हम लोग ये कर लेंगे, हम लोग यहाँ चले जाएंगे, यहाँ जाके वापस आ जाएंगे, और मतलब हमसे भी सवाल होते हैं कि जी क्यों इसकी फीस इतनी ज़्यादा है। तो प्लीज़ आंसर दिस क्वेश्चन उनके लिए कि उनको पता चले कि मार्कफोर की जो कॉन्फ्रेंस है इसकी ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है, इसकी फीस इतनी क्यों है। अच्छा मुशाहिद, मेरे ख्याल में ये हमने पहले भी एड्रेस किया ना इस क्वेश्चन को, कहीं मैंने भी और मतलब भी बता दिया था कि जाहिर है ये किसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर सिटी की सेटिंग्स के अंदर कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, इट्स अ विल्डरनेस बेस्ड कॉन्फ्रेंस, और जब आप आते हैं आपको अंदाज़ा होता है कि आप अबव सी लेवल को 8,000-9,000 फीट पे आप ऑपरेट कर रहे हो, एंड डेफिनेटली आपने टॉप क्लास स्पीकर्स लेके आने होते हैं, तो ऑल ओवर पाकिस्तान आप ट्रेवल उनका के लॉजिस्टिक मूवमेंट सारी, फिर जितने आपको 80-90 तो परसेंट होते हैं, और इतनी ही बड़ी बैक पे टीम होती है ऑपरेशन की कि तकरीबन हर बंदे पे एक बंदा ऑपरेशन का मौजूद होता है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी फूड ट्रांसपोर्ट को प्रॉपर मेजर करने के लिए। ओबियसली इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, किसी नॉर्मल सेटिंग में आप किसी 5-star होटल में करेंगे उसकी कॉस्ट शायद 20-30% कम आ रही हो, लेकिन जब आप जंगल में जाते हैं एक पूरी कॉन्वॉय के मूवमेंट के साथ जाते हैं और फिर जीरो एरिड की प्लानिंग के साथ जाते हैं, अल्लाह ताला करम करते हैं आगे भी करेंगे, तो फिर कॉस्ट बढ़ने का एलिमेंट बाहर भी आ जाता है। बट अगेन इट्स
एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं कहूँगा आपसे, और उसकी एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। आप दो जो मौजूद हैं यहाँ पर, यू आर वेरी यंग, मतलब ने ग्रेजुएट किया मार्कोस से आई थिंक 2 साल पहले, और आप 4 साल पहले 19 के हैं और आप 20 के हैं, 21 के एमके में शायद। तो आप देखें, आप अभी आप दोनों यूनिवर्सिटी के अंदर ही हैं, लेकिन आप ऑपरेट कहाँ पे कर रहे हैं? आप इस वक्त मतलब जो है वो इस प्रोजेक्ट लीड हैं मार्कोस के, यू तो पैट की प्रीमियम जो कि हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है उसको लीड कर रहा है, और इसी तरह आपने अभी कैंप हिमालयस को लीड किया और यूथपेट के ऑफिस के अंदर बैठ के आप हमारी किसी डेवलपमेंट को देख रहे होते हैं। तो ये लर्निंग है, दिस इज द अपॉर्चुनिटी जो आपने उसको क्रिएट की, आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवेल की और आज आप दोनों एक डिफरेंट पोजिशन पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इतना अर्जेंट रिजल्ट जो है ना वो नहीं आ रहे होते, और यूथपेट बहरहाल आपको इस काबिल करती है, बहरहाल इनेबल करते हैं। तो यस, इफ यू आर एबल टू डू दिस, आइए संभालें, हम तैयार बैठे हैं कि आपको कमान दें और खुद हम लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड कर रहे होते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कॉस्ट इसकी इंक्रीज करते हैं। थैंक यू सुन भाई ये एड्रेस करने के लिए। इसमें एक बात मैं अपनी तरफ से मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये कॉस्ट जो है ये आप अपनी पर्सनल, ये यूथ इम्पैक्ट आपसे पूछ रही है कि क्या आप रेडी हैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पर काम करने के लिए, क्या उस वॉलेटाइल वोकल इन्वायरमेंट में आके सीखने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं तो ये कॉज जैसे सिर्फ वही बता रही कि जी यस यू वांट टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड यू वांट टू सर्व अदर्स। तो ये बस मैंने अपनी तरफ से ऐड करना था। तो अभी हसन भाई एंड पीएल हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं सोशल मीडिया पे, कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं इधर मैं कॉमेंट साथ साथ रीड कर रहा था तो इसमें कुछ क्वेश्चन आए। एक सवाल हमारे पास आया है मुस्तफा की तरफ से, वो कह रहे हैं कि जी विल द फर्स्ट फेज ऑफ यूथ इंपैक्ट बी कंडक्टेड ऑन अ डेली और वीकली बेसिस, बेसिकली मार्क फोर जो है डेली बेसिस पे हो रहा होगा और या वीकली बेसिस पे हो रहा होगा। तो आई गेस प्रोजेक्ट लीड इसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे। सही, तो जो एज ब्रैकेट वी आर टारगेटिंग फॉर मार्क फोर उसमें बेसिकली ज्यादातर लोग जो है वो या तो यूनिवर्सिटी से होते हैं या फिर वो अपनी इनिशियल जॉब्स कर रहे होते हैं। तो कीपिंग इन माइंड हमने जो है वो अपना जो सेशंस होते हैं वो हम वीकेंड्स के ऊपर रख रहे होते हैं, और सैटरडे संडे 2 से 3 घंटे का एक एक सेशन होता है, और ये 3 हफ्ते तक 6 से 8 सेशन ये हो रहे होते हैं। ये होता है फर्स्ट फेज के अंदर। ठीक है, तो क्लासेस ऑन मतलब जो जो भी क्लासेस हो रही होंगी फेज 1 को वीकेंड पे हो रही है। मुस्तफा फैसल द आंसर टू योर क्वेश्चन। Then Manahil Fatima का सवाल है कि जी what will be the location of Mark 4 this year? So again a million dollar question. जी अज़र भाई, ये normally जो ना एक secret हम रखते हैं, disclose करते हैं, बिल्कुल narrow थी deadline, लेकिन normally आप इसको up north से हमारे यहाँ में हम कर रहे होते हैं, और ज़ाहिर है कि इसमें हमें हमने government के साथ security के measures बहुत strong होते हैं, हम अर्ली द टाइम बिफोर टाइम इसको एग्जैक्ट लोकेशन एड्रेस भी कर सकते हैं। तो बस आपके लिए यही है कि नॉर्मली हम लोअर हिमालयस या अपर हिमालयस में कर रहे हो, तो दिस टाइम वी आर प्लानिंग टू गो अपर हिमालयस, इंशाल्लाह वहां कर रहे होंगे। हमारी कुछ आजन भाई जैसे हमारी कुछ हम पुरानी लोकेशन शेयर कर सकते हैं क्योंकि हमारा वाला मार्क 4 जो है वो शोग्रान में हुआ था, और वी हैव बीन हैविंग मार्क 4 इन शोग्रान, मनूर वैली which is in Kagan, we've had Mark 4 at Mushkpuri, we've had Mark 4 at Khanpur, we've had Mark 4 at Sir. So hamare paas bahut sari locations hain, ye weather ke hisab se aur waqt ke hisab se ye decide hota hai towards the end of the registration campaign, ke jahan pe jab hamara event kareeb aa raha hota hai to hum ye sari cheeze assess karke aur phir ye announce karte hain ke event kahan par ho raha hoga. Theek hai, thank you Musab for that. Acha ek aur sawal hai ji, what are the tentative dates of phase 2? Sahi, to is dafa inshallah end of September ka hamara irada hai phase 2 ke liye, inshallah. Ek aur sawal hai ki Sayyid Abu Al Hakim sahab pooch rahe hain ki ji kya ye conference worth it hai? Hasan bhai and Musab aap log answer kar chuke hain, lekin aldo main chahunga ki aap log agar ek baar phir इसका सवाल जी यार बिल्कुल मैं चाहूंगा कि यूथ इंपैक्ट की तरफ से यूथ इंपैक्ट इसका आंसर ना करे,
बल्कि मार्को का जो प्रोडक्ट है ना, आई मीन यू बोथ, आप इसका आंसर करें ऑनेस्टली, बिल्कुल उसके साथ मुझे उम्मीद है कर रहे हो। सही, तो आई थिंक आई शुड गो फर्स्ट इफ दैट्स फाइन फ्रेंड। तो बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आप ये देख लें कि मैं 2019 के अंदर पार्टिसिपेंट था और इस साल मैं ये प्रोजेक्ट लीड कर रहा हूँ, और ऑल ऑफ दिस ऑन अ वॉलंटियर बेसिस, मतलब यूथ इम्पैक्ट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं जो है वो कुछ पैसा नहीं बना रहा इस चीज़ से, ये इट्स आउट ऑफ पैशन एंड माई विल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। तो वंस आई हैव बीन थ्रू द प्रोसेस, इट्स वाज सो प्रोफाउंड दैट आई came back, I wanted to serve youth impact and people around me. तो ये इससे आप एक चीज़ जज कर सकते हैं। दूसरी ये कि ये जो कॉन्फ्रेंस का स्ट्रक्चर है, ये सिमिलर स्ट्रक्चर जिन ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेगा, पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ना होने के बराबर है, बाहर नॉल्स का शायद आपने नाम सुना हो, नेशनल आउटडोर लीडरशिप स्कूल, जिसके ग्रेजुएट हैं हमारे CEO समझ भाई, और ही वॉज अ फर्स्ट ग्रेजुएट फ्रॉम पाकिस्तान। उसके अलावा आउटवर्ड बाउंड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस किस्म के विल्डरनेस कैंप्स कराती है। इन कैंप्स की कॉस्ट जो है कोई $10,000 होती है एक इवेंट की कॉस्ट, और इसके अंदर जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं वो दुनिया के टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, डिफरेंट डोमेन्स के अंदर जो लीडिंग इंडिविजुअल्स होते हैं वो इन कैंप्स का पार्ट बन रहे होते हैं। अगर नॉल्स का आपका भी पेज देखें तो उनके जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनके एलुमनाई आप देखेंगे, कोई नासा में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो अदर देन द कॉन्फ्रेंस, ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है विल्डनेस बेस्ड लीडरशिप का, दिस इज़ वेरी रेयर, ये बहुत कम जगहों पे दुनिया में कराया जाता है, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन इसको कराती हैं, और इसको बाहर से बैठ के समझना बहुत मुश्किल है कि अच्छा हम पहाड़ों में जाके क्या कर लेंगे, ये तो मूवीज़ में दिखाते हैं, लेकिन वंस यू गो थ्रू इट यू अंडरस्टैंड कि ये नहीं, आप एक अलग से यू गेट टाइम इन सिक्लूजन, आपको एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे सब आपकी ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं, आपके टीम मेंबर भी आपकी ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं, जो स्पीकर आया है वो भी, जो टीम आपकी बैकएंड की टीम है वो भी ये कोशिश कर रही है कि उस एक्सपीरियंस के अंदर आपकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो सके, आप सबसे ज़्यादा कुछ सीख सकें। तो दैट्स वॉट मार्कोर इज़, और आई थिंक दिस इज़ वाई मार्कोर इज़ वर्थ स्पेंडिंग दिस अमाउंट, और एक दफ़ा आप करके चले जाएँ तो आपका बार बार दिल करता है एज अ पार्टिसिपेंट आने का। और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं तो पार्टिसिपेंट वापस आ सकते हैं, लेकिन यूथ इम्पैक्ट की ये पॉलिसी है कि आप अगर मार्कोर से ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप फिर टीम में वापस आते हैं, नॉट एज अ पार्टिसिपेंट इन मार्कोर। अच्छा, मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा, शायद प्लीज मुझे लिबर्टी दे दी थी कि अभी मसाद ने अपना डिटेल्स बताया, तो मैं इसको ऐड करूं कि आप आज के बड़े कहते हैं आज की जो नेटवर्क क्या है, व्हिच इज योर नेटवर्क, आपको यूथ इम्पैक्ट में या मार्कोर में आके नेटवर्किंग मिल रही होती है, जो कि आपको तकरीबन हर कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको ये होती है चॉइस कि आप कितना ज़्यादा आगे नेटवर्किंग कर सकते हैं। लेकिन जो पर्सनल डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा था वो अगेन ये जो पी एम सामने मौजूद है मासब जुदाई, एज भी 21 साल, हार्डली 22 साल के हैं ये, और मार्कोर का जो प्रोजेक्ट है इनकी जो टीम इनके अंडर काम कर रही है वो एक बड़ी टीम काम कर रही है, जिसके मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स की टीम है, जिसकी ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन की टीम है, जिसकी सोशल मीडिया की टीम है। अब आप सोच सकते हैं कि इस एज में ये इतनी एक पूरी टीम को मैनेज कर रहे हैं और एक पूरा बजट जो कि मिलियंस में है, एंड आई एम श्योर के मसब या कोई इस एज का नौजवान जो है वो घर में मिलियंस के डिसीजन नहीं ले सकता, इतनी लिबर्टी इतनी नहीं मिलती घर में, इवन शायद अपना मोबाइल मैक्सिमम इस एज के नौजवान बाय कर सकते हैं, वो भी फादर की परमिशन से, बट एट यूथ इम्पैक्ट बीइंग अ प्रोजेक्ट लीड मार्कोर यू हैव अ लॉट ऑफ लिबर्टी, आप ओपन होते हैं, आप डिसीजंस हमारे साथ बैठ कर कर रहे होते हैं, मिलियंस के डिसीजन आप डिस्कस कर रहे होते हैं, और आपका इंटरेक्शन होता है कॉर्पोरेट के साथ, आप डायरेक्ट खुद कॉल करते हैं, खुद जाके टाइम लेके बात कर रहे होते हैं, ये आपके अंदर इतना एतमाद ला चुकी होती है ये कॉन्फ्रेंस। तो मतलब ये एक मजीद मैं इनपुट बता रहा था कि मतलब की एज देखें या पी एल की एज देखें और उनके पीछे जो पूरी टीम काम कर रही है वो आप किसी भी कंपनी के मैनेजर के अंदर 8-10 लोग अगर काम कर रहे थे, इनके पास 40 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और अगेन मैं खुद अब्दुल समद खान खुद इनको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जो कि मार्कोर का स्ट्रक्चर है कि प्रोजेक्ट लीड ही इज द की अथॉरिटी, मैं भी जो मेरे KPIs है मैं इनको क्वेश्चन इनको आंसरेबल हूँ, ये मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, सेम गो टू CEO के वो प्रोजेक्ट लीड को बता रहे होंगे जी हमने ये कर लिया, अब आप बता दें आप क्या चाहते हैं। तो
आई एम श्योर कि ये तो एक वर्थ वर्थ ही चीज़ है, और शायद इसमें तुम अगर कुछ ऐड करना चाहो बीइंग अ प्रोडक्ट ऑफ मार्कोस तो ज़रूर वैल्यू करेगा। थैंक यू सो मच हसन भाई एंड वसल। मैं इसमें सिर्फ एक ही बात ऐड करूंगा, मुझे आगे कुछ ऐड करने की जरूरत है, सब कुछ आपने आप लोगों ने बता दिया कि एक जिस तरह मसल ने जिक्र किया कि डाइवर्सिटी वाली बात होता है कि फर्स्ट जब मैं पहले आया था मार्को 20 से पहले तो आई हार्डली हैड एनी फ्रेंड्स आउटसाइड ऑफ पेशावर या आउटसाइड ऑफ केपी। अब मेरे दोस्त या ऐसे हैं कि जो पूरे पाकिस्तान से हैं। मार्को ने मुझे अपनी फैमिली से हट के एक और फैमिली दी जिनको मैं अगर मुझे कभी भी ज़रूरत हो अगर मैं इनको मैसेज करूं तो हमेशा मेरे मदद के लिए तैयार रहते हैं। और इसी तरह जो लर्निंग इन्वायरमेंट मुझे मिला, जो वहाँ से सीखने को मिला, जो मैं आज अप्लाई कर रहा हूँ और आज मैं यहाँ हूँ, लास्ट ईयर मैंने मार्को लीड किया था, तो वो वहीं से एक स्पार्क जो पैदा हुआ था मार्को ने, जो स्पार्क मुझ पर पैदा किया था, तो वो स्पार्क लेके चल रहा हूँ। तो आई गेस के यस इट्स वर्थ इट, आप जाएंगे अगर ना हो तो फिर आप मुझसे कहिएगा, मैं यहाँ मौजूद। एक छोटी सी एग्जांपल मैं ऐड कर दूं इसके अंदर, ये जो आपने फैक्टर या बताया कि पूरे पाकिस्तान से आपके दोस्त होते हैं, तो मैं बहावलपुर एक दफ़ा ट्रैवल कर रहा था, इस्लामाबाद बहावलपुर में रुका हुआ था, तो मैं एक होटल में रुका हुआ था, मैंने किसी से कॉल करके पूछा थोड़ा बहावलपुर का, तो फ्रेंड ऑफ माइन यूथ इम्पैक्टर, उन्होंने कहा कि आप होटल में क्यों रुके, आपने ये बताया होता कि आप अगर आ रहे हैं तो हमारे घर में आपके लिए इंतजाम। और ये सिर्फ भावलपुर में नहीं, ये इस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर थर उन उन जगहों पे जहाँ पे लोग नहीं होते, थर के अंदर आपके दोस्त पेशावर, स्कर्दू, गिलगित, लाहौर, यू नेम इट, वहाँ पे आपको कोई ना कोई यूथ इम्पैक्टर ऐसा मिल जाएगा वुड बी रेडी टू वेलकम यू एट हिज होम किसी भी वक्त, और आपके लिए कोई भी मुश्किल हो, कोई आप कहीं जाके फंसे, वो आपके लिए वक्त निकाल के आएगा, आपकी मदद करेगा। अच्छा एक और सवाल अब मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने लाता हूँ जी, क्वेश्चन है कि पार्टिसिपेंट्स को कोई स्पेसिफिक गियर लाने की ज़रूरत है या वो अपने उनको दे दिया जाएगा या वो अपने घर से लेकर आए, कोई स्पेसिफिक गियर या इक्विपमेंट स्पेसिफिकली मार्को पर लाने की ज़रूरत है? सही, तो स्पेसिफिकली जो एक चीज़ दो तीन चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे जिनकी रिक्वायरमेंट कैंप पे ज़्यादा होती है, उसमें एक टॉर्च लाइट हो गई, उसके अलावा रेनकोट, क्योंकि हम जिन जगहों पे और जिन जिस टाइम में मतलब ये इवेंट करा रहे होते हैं वहाँ पे मानसून या प्री मानसून या मानसून चल रहा होता है तो हमें ठीक ठाक बारिश मिल जाती है, तो उसके लिए फिर ये सारे मेजर्स लेने होते हैं और ये यूथ इम्पैक्ट ही प्रोवाइड करता है। बाकी जो पार्टिसिपेंट है उसको सिर्फ अपने सर्दी के कपड़े रखने हैं और अपनी बेसिक पर्सनल हाइजीन की चीज़ें साथ रखनी है। लेकिन एक प्रॉपर गाइडलाइन आपको प्रोवाइड कर दी जाती है बिफोर दैट टाइम के आप अरेंज कर सकें। हाँ आपको आने से जब आपकी सिलेक्शन हो जाए ना तो रोजाना आधा घंटा दौड़ना शुरू करते हैं, अपने करीब पार्क हैं, कोई आपको हिली एरिया है, कोई छोटी सी रॉक शॉक है, उधर जाए दौड़ना शुरू कर दें, तो ये तो आपका एक पहला प्रिकॉशन होगा कि आपको दौड़ना शुरू कर देना है। अकेले से इंशाल्लाह आपको पूरी प्रोवाइड की जाती है जो आप अरेंज कर दिलाते हैं, कुछ हम जिससे प्रोवाइड करते हैं कुछ आपने देखना। जी बिल्कुल हसन भाई, पार्टिसिपेंट गाइड जो है पार्टिसिपेंट मैनुअल आपको मिल जाएगी जिसमें चीज़ें होंगी, और बाकी जो है आप लोगों को अगर एक्स्ट्रा कुछ होगा तो वो बता भी दिया जाता है। एक सवाल है हसन भाई कि सेफ्टी मेजर्स के हवाले से कि विलडनेस एक्टिविटीज है कि क्या मेडिकल ट्रेन मेडिकल टीम वहाँ पे अवेलेबल होगी, क्या सेफ्टी मेजर्स होंगे? जी मैंने जैसे शुरू में बताया था कि जब कॉस्ट की बात आई थी क्यों इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, वो तो यही एलिमेंट होते हैं कि इसके सेफ्टी मेजर्स के साथ सबसे पहला काम हम होम डिपार्टमेंट के साथ प्लानिंग कर रहे होते हैं, होम डिपार्टमेंट पे लोकल एजेंसीज के थ्रू, लोकल थाना और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरह और जो सेफ्टी के इदारे हमको ऑन बोर्ड ले आते हैं लोकल पुलिस के साथ हम, फिर डॉक्टर का पूरा मेडिकल यूनिट है हमारा का एक पूरा वेल एस्टेब्लिश मेडिकल यूनिट है और इसका हेड एक मौजूद होता है, तमाम लोगों के प्रोफाइल पहले उससे शेयर होते हैं, वो हर पार्टिसिपेंट का अपकमिंग पार्टिसिपेंट का और टीम मेंबर का प्रोफाइल अच्छी तरह स्टडी करके कोई उसके अंदर ऐसी चीज़ जिसमें उसको लगता है कि ये मजीद इन डेप्थ डिटेल की जरूरत होती है तो वो पार्टिसिपेंट को भी कॉल कर लेते हैं, और सम टाइम पार्टिसिपेंट जहाँ से ट्रीटमेंट करवा रहा है अगर है कोई चीज़ को
उनसे भी हम बात करके चेक कर लेते हैं और कोई ऐसी मेडिसिन जो स्पेसिफिक वो ले रहा है वो फिर हम अपने पास हमारी मेडिकल टीम और उस टीम के अंदर वो जिस ट्राइब में जाना है ट्राइब के हेड को उसकी तमाम डिटेल वो मेडिसिन वो पहले से पहुँचा दिया जाता है और फिर वो मेक श्योर किया जाता है कि उसको उस टाइम पर वो मेडिसिन प्रोवाइड हो गई उसकी मर्जी का वो फूड जो अगर वो नहीं खाता उसकी कोई डाइट चल रही है तो उसको प्रोवाइड कर दिया गया। तो ये एक पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म है जिसको हम अलग अलग लास्ट टाइम ये मेंटेन कर रहे हैं। जज़ाकअल्लाह हसन भाई इस सवाल का जवाब देने के लिए। हम लोग अभी तकरीबन हमारे 5 टाइम ख़त्म होने वाला है तो एक इसके अलावा एक जनरल सा सवाल होता है कि जी बाज़ औक़ात जैसे कुछ को पेरेंट्स से परमिशन में इशू हो रहा तो या बल्कि ये सवाल आ भी चुका है कि जी मतलब अगर पेरेंट्स से परमिशन लेनी हो तो क्या यूथ प्रैक्टिस में मदद करेगी हमारी या मार्क होगी टीम। अच्छा वो ये मुझे लगता है इसका आंसर मुझे एड्रेस करना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त आप दोनों उनमें से कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है कि जिसके साथ ऐसा केस हुआ हो। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग नौजवान झूठ बोल के या करके आना चाहते हैं हम इसको डिस्करेज करते हैं ठीक है। आप खुद आप इस काबिल हों कि आपके पेरेंट्स हैं वो आपकी बात पर ट्रस्ट करें और फिर आप उनको इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएंगे। आप अगर पता है कि टूर पे जा रहे हैं तो जाहिर है कोई भी परमिशन नहीं देगा। आपने इस कॉन्फ्रेंस की अपा दी और इसके बेनिफिट क्या है ये कब से हो रही है इसके सोशल मीडिया पेजेस विजिट कराएं उनको इसके ऑफशूट्स जो ये काम इम्पैक्ट कर रहा है चाहे वो फ्लड का काम हो रहा है या जेलों में काम कर रहे हैं या सोसाइटी में लोग डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं इसके बारे में बताएं और मुमकिन हो तो आप हमें कॉल करके जो आपकी टीम जो आपको गाइड किया गया है एक असाइन किया गया है शेपर्ड या हेड आपका आपकी टीम उनसे बात करवा सकते हैं। लेकिन अगेन सबसे अहम बात आप खुद जो है ना कितने कन्वेंस हैं उस काम के लिए और क्या तरीके से वो आप अप्रोच करते हैं पेरेंट्स को ये बहुत मैटर करता है। यस वी आर अवेलेबल ऑल द टाइम होता है लास्ट टाइम भी एक पार्टिसिपेंट के वालिद ने मुलाकात की और वो ये जानना चाहते क्या होता है तो कन्वेंस हुए उन्होंने भेजा भी बातें लेकिन बहरहाल आपने अपने केस को खुद अच्छे तरीके से बताना होता है टू स्टडी हमारे वेबसाइट को फेसबुक को प्रॉपर स्टडी करें और उनको ऑन बोर्ड लें पेरेंट्स को आपको बताएं कि डेवलपमेंट है जिसमें एजुकेशन ये आउटडोर ट्रिप नहीं है। डेफिनेटली अगर आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज भेज रहे हैं यहाँ से तो यहाँ भी वो आपको मायूस नहीं करेंगे। इसमें मैं एक चीज़ ऐड और करना चाहूँ स्पेशली फीमेल्स का बहुत सारी जगहों पे ये सवाल होता है कि उनका के लिए ट्रैवल करना एक इशू है तो मारखोर के अंदर हम वी हैव स्पेस फॉर पेरेंट्स जिसके लास्ट ईयर भी हमारे पास एक पार्टिसिपेंट थी जिनके फादर थे ही वांटेड टू ट्रैवल विद हर चाइल्ड तो वो साथ आए थे और वो पूरा कॉन्फ्रेंस 5 दिन हमारे साथ ही थे और बस ही वाजंट अलाउड टू कम्युनिकेट विद द डॉटर क्योंकि वो स्ट्रक्चर इस तरह का है लेकिन उन सारी एक्टिविटी उनकी आंखों के सामने थी और वो सुकून और वो इतना खुश होकर गए थे कि उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम मैं अपनी वाइफ को भी साथ लेके आऊँगा ये एक्सपीरियंस करने के लिए। तो जहाँ जहाँ फीमेल्स के लिए ये इशू है कि अगर वो पेरेंट्स के बगैर या किसी के बगैर ट्रैवल नहीं कर सकती तो हमारे पास हम अकोमोडेट कर रहे होते हैं उनको और उनका कोई जो भी साथ ट्रैवल करना चाहे वो कर सकता है। ऐड कर दूँ कि फीमेल की क्योंकि बात ही मैं मिस कर गया उसको उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए तो हमारे यहाँ और बहुत से पैरामीटर्स मौजूद हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए और अलहमदिल्ला लास्ट 10 ईयर से हमारे पास ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है फीमेल नंबर अब ऑलमोस्ट 53% का रेशो होता है। जब हमने स्टार्ट किया बैक इन 13 तो हमारे पास कोई 13 या 14 फीमेल पार्टनर थी लेकिन अब अलग हो चुका है कि तादाद बढ़ रही होती है तो हम उसको मेनटेन करते हैं खास पाकिस्तान में स्प्रेड है। नंबर टू इसके अंदर मैं मेरी कोर टीम अब्दुल समद खान हो गए हमारी वाइफ्स बेटियां भी इसमें शामिल होती हैं और ताकि वो एक कल्चर वो एक माहौल मेंटेन रहे हम पर भी फिल्टर लगे हों अगर हम अपनी टीम के लिए फिल्टर लगाते हैं तो हम पर भी फिल्टर लगे हों तो ये भी एक उसकी मेजर का हिस्सा होता है कि मेरी वाइफ मेरी बेटियाँ अब्दुल समद खान की वाइफ उनके बच्चे वहाँ मौजूद होते हैं कैंपेन पे एंड वी इंकरेज टू पेरेंट्स कम आप वहाँ पर आएँ ज़रूर आएँ और एक्सपीरियंस करें। मुझे उम्मीद है पीएल के वालिदैन इस दफा लाजमी आ रहे होंगे क्योंकि छुट्टियाँ ले ली होंगी अगर मेरे मम्मी अब्बा देख रहे हैं तो उनसे भी दरख्वास्त है कि वो चले। अच्छा
एक लास्ट क्वेश्चन है, बस हम लोग का टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. लास्ट क्वेश्चन मतलब हमने जिक्र किया था कि फीस का, तो इस फीस में क्या ये भी शामिल है, अगर कोई डेलीगेट अपने घर से आ रहा है तो क्या वो फीस में कवर हो रहा होगा, कोई ट्रेवल अलाउंस मिल रहा होगा कि नहीं, तो फीस में क्या सही। तो है, 25,000 क्या कवर हो रहा है? ये 75,000 इज इस्लामाबाद टू इस्लामाबाद ऑल इंक्लूसिव, और इसमें एक रात का स्टे पहले कॉन्फ्रेंस से और कॉन्फ्रेंस के बाद एक रात का स्टे इंक्लूडेड है। तो ये बेसिकली आपकी 6 रातों की और 5 दिन की जो टोटल कॉस्ट है वो सारी इसके अंदर है, इस्लामाबाद टू इस्लामाबाद। बाकी हमारे पास डेलीगेट्स पूरे पाकिस्तान से और होते हैं, तो वो हर किसी की ट्रैवल कॉस्ट है वो पार्टिसिपेंट खुद ही बेयर कर रहा होता है। और उसके अंदर एक और रीज़न भी है कि सब डेलीगेट्स का डिफरेंट प्रेफरेंस होती है कि वो कैसे ट्रैवल करना चाहें। तो जो पेशावर में है वो यूजली बाय कार या बाय बस आ रहा होता है, बहुत सारे लोग बाय ट्रेन आ रहे होते हैं, कुछ बाय प्लेन आ रहे होते हैं, तो जो जिस तरह भी ट्रैवल कर रहा होता है वो उसकी ईज के हिसाब से। तो इसलिए इसके अंदर ही वो कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं। ठीक है. थैंक यू सो मच हसन भाई, थैंक यू सो मच प्रोजेक्ट लीड साहब हमें ज्वाइन करने के लिए. जो कुछ कन्फ्यूजन्स थे, कुछ सवालात थे सब पार्टिसिपेंट्स के जहन में, वो कन्फ्यूजन्स क्लियर करने के लिए, उन सवालात के जवाब देने के लिए. इसके अलावा अगर स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चंस, कोई भी सवाल हो आपके जहन में मार्कोर के हवाले से, तो यूथम पैट के पेज पे आप मैसेज कर सकते हैं, यूथम पैट के इंस्टाग्राम के पेज पे आप मैसेज कर सकते हैं, बल्कि जो मार्कोर का अपना पेज है यूथम पैट इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी आप मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह आपको आंसर दे दिया जाएगा. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस. तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से डिस्कशन होगी, आप लोगों के सवाल के जवाब बाद दिए जाएंगे. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।